हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के बारे में बात करेंगे हम। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अपने वाइब्रेशंस को कैसे हाई करें, कैसे अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाएं, ताकि आप जब मैनिफेस्ट करने बैठो तो आपकी मैनिफेस्टेशन तुरंत हो जाए। आपको अफर्मेशन आपने लिखना शुरू किया नहीं कि बस सामने वाला आपके पास कैसी कहां थी, मैं तरस गया लाइक दिस। तो इस तरह से चीजें होने वाली है, बहुत कमाल का एक्सपीरियंस होगा आपका। तो चलिए लेट्स स्टार्ट गाइस। देखो, पहले वाइब्रेशन को समझो। आप मैनिफेस्टेशन जब करते हो तो मैनिफेस्टेशन जो अफर्मेशन आप करते हो, अफर्मेशन में रिपीट होती हैं चीजें। जैसे आपको कहा जाता है कि 5 दिन के लिए करो, 45 दिन के लिए करो, तो ऐसा क्यों होता है? इसीलिए क्योंकि आपके सबकॉन्शियस लेवल पे उस थॉट को, उस अफर्मेशन को हमको बिलीव कराना होता है कि भैया आप विश्वास करो। विश्वास जब कर लोगे तो चीजें अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का ये फीचर है कि जिस चीज पे वो विश्वास कर लेता है वो चीजें हो जाती हैं। अब वो अफर्मेशन लिखते हैं हम जब मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो होता क्या है कि आप अपने वाइब्रेशंस को रेज करते हो, बढ़ाते हो। तो हम ऐसा क्या करें कि ऑटोमेटिक हमारा वाइब्रेशन हमेशा बढ़ा रहे और जो भी हम विश करें, अफर्मेशन करने की जरूरत नहीं है, मैनिफेस्टेशन करने की जरूरत नहीं है। दिमाग में विश आया, उसके ऊपर एक आध दो दिन सोचा और विश पूरी हो गई। जादू काइंड ऑफ जादू, बट एक्चुअली हर जादू के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन होता है और मैं उसी पे बिलीव करता हूं। इसलिए आप लोगों में से 100% लोग जो मेरे पास आते हैं, अभी तक का मेरी गारंटी है कि 100% लोगों के साथ, इनके भी साथ मेरा सेशन चलता है, पर्सनल सेशन 100% वर्केबल है, 100% रिजल्ट आता है। तो गाइज, सबसे पहले देखो, आपको मैंने बता दिया कि वाइब्रेशंस को रेज करना होता है, पर एक्चुअली में जिसके वाइब्रेशंस लो होते हैं उन्हीं को ये शिकायत होती है कि उनका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो पा रहा है। किसी ना किसी कारण से उनके जो विश है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वाइब्रेशन को इस तरीके से समझो कि आप अगर मान लो कि किसी फूल के बगीचा में गए, ऑटोमेटिक आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि आप कलरफुल फ्लावर्स देख रहे हैं अपने आसपास, वो एक अच्छी वाइब्रेशन आपके अंदर क्रिएट कर रही है। आपका मूड बहुत खराब है, बहुत गंदा मूड है, मतलब मरने वाला मूड, लेकिन फिर भी आप जब बगीचा में जाओगे आपका मूड ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस तरह की वाइब्रेशंस, कलरफुल वाइब्रेशंस, एंड कलर सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस का सिंबल है, तो क्यों उससे आपका मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही किसी बहुत रश वाले मोहल्ले में जाते हो, रोड पे जाते हो जहाँ पे कसाई लोग हैं वो काट रहे हैं, या फिर कुछ रोड पे निकाल के सामान को बेच रहे हैं, कचरा है, कीचड़ है, पानी है, वहां पे आपकी वाइब्रेशंस लो हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। तो ऑब्वियसली आप बगीचा में जाके जब मैनिफेस्टेशन करोगे तो वहां जल्दी पूरा होगा, या फिर उस वाले रोड पे जाके करोगे तो वहां जल्दी पूरा होगा। तो ये सोचने वाली बात है। ऑब्वियसली अगर बगीचा में जाके करोगे वहां पे जल्दी पूरा होगा, क्योंकि वहां पे आप खुश हो, आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी वाइब्रेशंस हमेशा हाई रहे? सिंपल है, तीन चीजों में बताऊंगा। तीन चीज में पहला चीज ये है कि जब भी आप सोने जाओ, सोने के ठीक पहले बेड पे, ऑब्वियसली बेड पे सोते होगे, तो बेड पे जब सोते हो तो एक ईयरफोन खरीद लो, अगर नहीं है तो होगा ही तो ईयरफोन खरीद लो। ईयरफोन में एक सबलिमिनल है, मेरे चैनल में जाके देख लो, कोई भी सबलिमिनल उठा लो, हर सबलिमिनल में सेल्फ लव की वाइब्रेशन जरूर है। तो उस सबलिमिनल को कान में लगा लो और सुनते सुनते सो जाओ। वो सुनते सुनते आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, बहुत गहरी नींद आएगी, और नींद के साथ साथ आप सो भी गए और तभी वो प्ले हो रहा है ना, तो उससे भी आपके सबकॉन्शियस लेवल पे वाइब्रेशंस जो हैं आपके वो ट्रांसफॉर्म होंगे, मतलब नेगेटिव वाले पॉजिटिव में होंगे। अगर पॉजिटिव है तो वो और ज्यादा पॉजिटिव होंगे। तो जैसे आप अपने बॉयफ्रेंड को या एक्स हस्बैंड को या एक्स गर्लफ्रेंड को या एक्स वाइफ को जब मैनिफेस्ट करते हो ना, तो मैनिफेस्ट करने की जरूरत आपको इसलिए पड़ती है क्योंकि उसके कंपेयर में आपकी वाइब्रेशंस लो होती है। समझना ध्यान से, मतलब कि मेरी वाइब्रेशंस लो है, मैं आपको मैनिफेस्ट कर रहा हूं, जो देख रहे हैं उन्हीं को कर रहा हूं, नहीं मतलब मैं किसी को मैनिफेस्ट कर रहा हूं, मेरी वाइब्रेशन लो है इसलिए मुझे मैनिफेस्ट करने की जरूरत पड़ी है। अगर सामने वाले बंदे से जिसको मुझे मैनिफेस्ट करना है उससे अगर मेरी वाइब्रेशंस हाई होती ना, तो मुझे मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा उस पर दबाव रहता, प्रेशर रहता, मैं बोलता और वो मेरे पास आ जाता, इतना फर्क पड़ता है। लेकिन क्योंकि मेरी वाइब्रेशंस लो है और मुझे मैं मैनिफेस्ट कर का प्रोसेस जो है, टेक्निक जो है वो शुरू कर रहा हूं, तो उससे मैं अपने वाइब्रेशंस को ऊपर करूंगा, उसके बाद जैसे ही मैं जो चाहूंगा वैसे ही वो हो जाएगा, ऐसे काम करता है ये। तो आपका वाइब्रेशंस एकदम हमेशा अप रहे, हाई रहे, तो पहला हो गया सबलिमिनल। सबलिमिनल आप रात में सोते समय कान में लगा के मत सो जाओ। उसके बाद दूसरा ये है कि जब भी सुबह उठो,
तो कम से कम आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपको आपके लाइफ को लेकर ड्रीम्स है, प्लस में वो एक मैनिफेस्टेशन जो आपको करना है, जो आपको चाहिए लाइफ में, जिसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, टेक्निक के बीच में हो या टेक्निक शुरू करने वाले हो, वो एक चीज, और प्लस में पांच ऐसे गोल्स जो आपके लाइफ, 10 ज्यादा हो जाएगा, पांच ऐसे गोल्स जो आपके लाइफ का ड्रीम है, मतलब आप पैदा ही हुए हो इसके लिए। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और क्योंकि आपको फिर ढूंढना पड़ जाएगा, मैं कसम से बता रहा हूं, सागर द मोटिवेटर ढूंढो, कहां है वीडियो, कहां मिलेगा, कहां यूट्यूब, कर लो सब्सक्राइब, क्या जाता है, एक क्लिक कर लेना यार, कम ऑन। तो गाइज सुबह जब उठो तो उस पांच गोल्स की एक डायरी बना के रखो, बहुत खूबसूरत सा डायरी, फ्रंट पेज पे उसको एकदम कलरफुल पेन से, कलरफुल स्केच से, कलरफुल कलर से आप उस पांचों ड्रीम को लिख दो। उस पांच ड्रीम में से एक ड्रीम वो होगा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप जिसके लिए टेक्निक शुरू मैंने कर दिया है आपने या करने वाले हो, या फिर जो आपको चाहिए आज के टाइम में, और बाकी चार वैसे जो आपको लाइफ से अपने चाहिए, मतलब वो आपका ड्रीम है, और उन पांचों चीज को प्रेजेंट टेंस में लिखे रहो। जैसे मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना है, तो मैं हूं, आई एम अ वेरी बिग बिजनेस एंटरप्रेन्योर, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई जॉब। तो इस तरीके से आप पांचों प्रेजेंट टेंस में लिख के रखो, जब भी सुबह उठो अपने बगल में रखो, सबसे पहले उसको देखो, आंख खुलते ही आपके जो ड्रीम्स हैं वो आपके सामने होंगे, आप समझ रहे हो, मतलब मेरी आंख खुली और मेरे सामने पता लगा 1 मिलियन सब्सक्राइबर, वाओ, काइंड ऑफ दिस, तो वाओ वाओ, अभी तक नहीं जा रहा वो टेस्ट, क्या सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर करते रहना यार दोस्तों में, इट्स वेरी अमेजिंग अगर आप किसी की हेल्प करते हो, आपके वजह से अगर कोई खुश होता है तो। तो सुबह आपने उठा एकदम बिल्कुल आपके सामने सबसे पहले वो आया कि पांच जो आपने ड्रीम्स लिए हैं, उसके बाद पता है क्या होगा, दिन भर आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई रहेंगी। इसमें तीसरा पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं, तीसरा और लास्ट जो कि है पानी। मेरा नाम सागर है इसलिए पानी को तो मैं हर जगह लाता हूं, और मेरे लिए सबसे ज्यादा काम यही करता है, इसलिए मैं चाहता हूं हर इंसान इस चीज को करे, क्योंकि ट्रेमेंडस फैंटाबुलस खतरनाक एग्जाम, बस एक मैनिफेस्टेशन मेरा पूरा नहीं हुआ था, दीपिका पादुकोण को मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाया था, बाकी सब हो गया, एक्चुअली वो किया ही नहीं था, जस्ट जोकिंग। तो गाइज दिन भर में जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जैसे आपने पांच गोल्स लिखे हैं, पांच गोल्स को प्रेजेंट टाइम्स में आपने लिखा है, तो उसको हर गोल को एक एक बार दिन भर में पांच बार आप पानी के साथ मैनिफेस्ट करो। एक ग्लास ऑफ वाटर लो, पानी तो पीते होगे ना, जानवर भी पीते हैं तो आप तो पीते ही होगे, तो एक ग्लास लो, ग्लास में पानी भर लो, शीशे का ग्लास हो तो मजा आ जाएगा, ग्लास पानी, पहला गोल आपने बोला, विजुअलाइज किया, पी लिया। जब फिर दूसरी बार प्यास लगे आपने एक ग्लास पानी लिया, दूसरा गोल विजुअलाइज किया, वाओ बहुत अच्छा लग रहा है, वाओ आपको पता है, उसका पी लिया। जो पांचों गोल्स आपने लिखा है वो ये पांचों पानी वाले के साथ करना है आपको, तो ये तीन चीज आप करना शुरू करो। मैं लिख के देता हूं भाई साहब, एक हफ्ते में जो आप में चेंज आएगा ना, और आपको किसी भी काम को करने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना होगा, पैर नहीं पकड़ना होगा, आपके काम अपने आप बनेंगे, आपके चेहरे पे चमक आएगी, कोई सबलिमिनल सुनने की जरूरत नहीं है कि स्किन थोड़ा लाइट हो जाता तो बहुत अच्छा, कुछ की जरूरत नहीं है। आप ये जो मैंने बताया तीन चीजें वो करना शुरू करो, आपकी वाइब्रेशंस इतनी अमेजिंगली हाई होगी, और खतरनाक जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके लाइफ पे वो जबरदस्त होने वाला है। तो गाइज ये इससे जुड़े आप कोई भी सवाल मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही होगी, आप इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो। जिनको भी मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम है, मेरा सेशन चलता है, मेरे सेशन पे अप्लाई कर सकते हो, वो पेड होता है, लेकिन उसमें गारंटी भी होती है कि 10 दिन में आपका कंप्लीट मैनिफेस्टेशन हो ही जाएगा। और इंस्टाग्राम पे वैसे फ्री में आप मुझसे एडवाइस ले सकते हो, लेकिन वहां पे जो मैनिफेस्टेशन मैं करवाता हूं वो टेक्स्ट मैसेज में करवाता हूं, उसमें 45-50 डेज का टाइम लगता है, लेकिन उसमें भी पूरा जरूर होता है। तो गाइज तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, खुश रहो, और अपने वाइब्रेशंस को इतना बढ़ा लो ना, इतना बढ़ा लो कि बस जो आप चाहो वो हो जाए, क्योंकि आप खुश रहोगे ना तो मुझे बड़ा मजा आता है आपको खुश देखने में। तो थैंक यू गाइज, एंड सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, ये चार चीज आपको, उन तीन चीज तो करो वो तो आपके लिए है, पर ये चार चीज मेरे लिए कर दो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस।